हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 से 5 और 7 रुपए में मिलने वाले विंटर के कुछ फूलों वाले पौधे। यानी कि जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की अभी शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग कम पैसा खर्च करके अपने विंटर गार्डन को तैयार करना चाहते हैं, तो चलिए नर्सरी से ही मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। देखिए, अगर आप लोग कम पैसा खर्च करके बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इस टाइम पर इन पौधों को अपने गार्डन में ला करके आप लोगों को ऐड कर लेना है। यानी कि अक्टूबर के महीने में आप लोग इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर लोगे तो पूरा विंटर ये फूलों से आपका गार्डन भरा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने आप लोग छोटी छोटी सी सैपलिंग्स यानी कि पौध देख रहे हैं, ये पौध आपको इस तरीके की ब्लैक कलर की ट्रे में लगी हुई नर्सरी पर मिल जाएंगी। ये छोटी पौध आपको 3 से 5 और 7 रुपए में मिलेंगी, लेकिन इनका बड़ा पौधा आप लोग लोगे तो वो आपको कॉस्टली मिलेगा। तो आप लोग अगर बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इन पौध को आप लोग अक्टूबर के महीने में अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। 1.5 से 2 महीने में ये जो सैपलिंग्स हैं, ये जो पौध हैं, पूरा पौधा ही बनकर के आपको तैयार हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा है जिसको इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, ये है डायंथस। ये परमानेंट पौधा है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। इस तरीके के ये जो पॉली बैग होते हैं, इनमें लगे हुए पौधे को आप लोग लोगे तो ये 20 से 30 रुपए में आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी छोटी सैपलिंग यानी कि छोटी पौध को आप लोग लोगे तो वो 3 से 5 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये देखिए बिगोनिया, ये 3-4 रंगों में आते हैं, रेड, पिंक और व्हाइट। सभी लोग जानते हैं बिगोनिया का जो प्लांट होता है काफ़ी कॉस्टली आता है, 60 रुपीज़ से लेके 80 या 100 तक की रेंज में आता है। सब जगह की नर्सरी के अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन मैं अपनी नर्सरी के यहाँ के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो ट्रे में लगे हुए आप लोग बिगुनिया देख रहे हैं, छोटी छोटी जो पौध हैं, ये यहाँ पर 7 रुपए में इन्होंने दे रखी हैं। लेकिन यही पौध देखिए इस तरीके से पॉली बैग में लगने के बाद छोटी छोटी पौध इन्होंने इनको रिपोर्ट कर दिया है, ये पौधा 60 रुपीज़ में इन्होंने कर दिया है। तो आप लोग इनकी छोटी पौध को ला करके इस तरीके से लगा सकते हैं। पॉली बैग में लगने के बाद इनके जो प्राइस होते हैं बढ़ जाते हैं। ये देखिए हरसिंगार या फिर पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका भी पौधा बहुत सस्ता नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। इसके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और कहते हैं इस पौधे को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। तो इस टाइम पर इस पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए कितने हेल्दी पौधे हैं, 4-4 इंच के पॉली बैग में ये लगे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने 30 रुपए में ये दे रखे हैं, बाकी अलग अलग नर्सरियों के अलग अलग प्राइस होते हैं। अगला जो प्लांट है ये है बर्वीना का, यानी कि ये बर्वीना की छोटी छोटी सी पौध है। बर्वीना को अगर आपने अपने गार्डन में ऐड नहीं किया तो आपका गार्डन जो है अधूरा सा रहता है, क्योंकि ये बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इतनी हैवी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये छोटी छोटी सी इनकी जो पौध है, इस टाइम इनको ला करके अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। 1.5 से 2 महीने में ये जो पौध है फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। जो प्लांट है ये 3-4 रंगों में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग कम देखभाल में ज़्यादा फूल लेने वाला कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये है पेंटास। इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर ऐड कर लीजिए। एक बार आपके गार्डन में ये पौधा आ गया तो बिना देखभाल के पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है। वो देखिए इसका जो बड़ा पौधा होता है 80 से 100 रुपीस तक के बीच में आता है, लेकिन इसका छोटा पौधा 3 से 4 इंच के पॉली बैग में ये लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ पर 30 रुपए में मिल रहा है। छोटी पौध भी हमारे यहाँ पर इसकी 7 रुपए में मिल रही है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए पेंजी, ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है उस टाइम पर फ्लावरिंग इनकी शुरू होती है, यानी कि इस टाइम पर अभी इसके पौधे आपको नर्सरी पर नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटी छोटी सी जो सैपलिंग्स हैं, पौधे हैं, वो हमारे यहाँ पर इनकी 3-3 रुपए में मिल रही हैं। तो इन सैपलिंग्स को ला करके इस टाइम पर आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए। 1.5 से 2 महीने में ये जो सैपलिंग्स हैं, पौधे हैं, पूरे पौधे ही बनकर के तैयार हो जाएंगे। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए पिटोनिया, ये बहुत सारे रंगों में आते हैं। इनके पौधे अगर आप लोग इस टाइम पर अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं तो अभी मत कीजिए, 10 अक्टूबर के बाद इन पौधों को अपने गार्डन में लाना है, क्योंकि इनके हिसाब से अभी गर्मी है और 1-2 बारिश भी जरूर होगी तो ये पौधे खराब होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर पौध को अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो उनको ला करके आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। इनकी जो पौधे हमारे यहाँ पर 5 रुपए में मिल रही है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये इतने हार्डी और बेशरम पौधों की लिस्ट में आते हैं, ये है गजेनिया। इनके जो छोटे पौधे होते हैं 3 से 4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए रहते हैं, वो आपको 20-20 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो छोटी पौध होती हैं हमारे यहाँ पर ये 3-3 रुपए में मिल रही हैं। आप लोग देख लीजिए कितनी हेल्दी और ग्रीन पौध है, तो इनको भी इस टाइम पर आप लोग ला सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए साल्विया।
ये तीन चार रंगों में आते हैं, लेकिन इनका रेड और पिंक ये बहुत ही कॉमन सा कलर है। तो इसके भी बड़े पौधे जो होते हैं 30 से 40 रुपए में आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी ये जो छोटी छोटी सी पौध होती हैं, आप लोग देख लीजिए कितनी हेल्दी पौध हैं, ये हमारे यहाँ पर 7 रुपए में मिल रही हैं। तो आप लोग इनको ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी इनके जो बड़े पौधे हैं नर्सरी पर आपको मिलेंगे भी नहीं, इसलिए इनकी पौध को ला सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में ये जो सैपलिंग्स हैं, पौध है, पूरी पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। ये है देखिए टोरेनिया, ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं, लगभग पूरा साल तो ये फ्लावरिंग करते हैं, 3-4 रंगों में आपको मिल जाएंगे। इनकी जो छोटी छोटी सी सैपलिंग्स हैं वो आपको 3 रुपए में नर्सरी पर मिल जाएंगे। और ये जो पॉली बैग में लगे हुए पौधे आप लोग देख रहे हैं, कितने हेल्दी पौधे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये पौधे भी 20-20 रुपए में हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस में, लो प्राइस में ये पौधे सभी जगहों पर नर्सरी पर आसानी से मिल जाएंगे। ये है देखिए डॉग फ्लावर्स, ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। इनके भी जो पौधे हैं अभी आपको नर्सरी पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब मौसम में ठंडक हो जाती है तब इनके पौधे मिलना शुरू होते हैं। लेकिन इस तरीके से छोटी छोटी सी ये जो सैपलिंग्स हैं ये 3-3 रुपए में हमारे यहाँ पर मिल रही हैं, तो इनकी पौध को ला करके ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए कैलेंडुला, ये भी 3-4 रंगों में आते हैं, विंटर में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। इनके जो बड़े प्लांट हैं अभी नर्सरी पर आपको नहीं मिलेंगे, बड़े प्लांट 20 से 30 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन इनकी ये जो छोटी पौध हैं ये हमारे यहाँ पर 7-7 रुपए में मिल रही हैं। तो इनको आप लोग इस टाइम पर अपने गार्डन में ला करके ऐड कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए विनका, यानी कि सदाबहार, ये हाइब्रिड विनका है। इनके जो पौधे हैं 4-4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए हैं, तो ये आपको 20-20 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन इनकी छोटी पौध भी नर्सरी पर मिल रही है, वे आपको 3-3 रुपए में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की कोई सी वैरायटी हो, जाफरी मैरीगोल्ड हो, हाइब्रिड मैरीगोल्ड हो, ये जो पौधे आप लोग सामने देख रहे हैं ये हाइब्रिड मैरीगोल्ड हैं। इनमें बिग बिग साइज के बड़े बड़े फूल आते हैं। तो पॉली बैग में ये जो पौधे लगे हुए हैं ये पौधे 20-20 रुपए में मिल रहे हैं, लेकिन इनकी छोटी छोटी सी जो पौध आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये 3-3 रुपए में हमारे यहाँ पर मिल रही हैं। आप लोग देख लीजिए कितनी हेल्दी पौध है। इनके पौधे आप लोग ना ला करके छोटी छोटी सी पौध को ले आइए, क्योंकि 15 से 20 दिन में ये जो पौध है पूरे पौधे ही बन करके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इसलिए आप लोग एक पौधा ना ला करके आप लोग 3-4 पौध को ले आइए। ये जाफरी मैरीगोल्ड है, तो अगर आप लोग 3-4 पौध को लेकर के आओगे तो 3-4 पौधे आपके गार्डन में तैयार हो जाएंगे, आपकी बजट गार्डनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्वीट एलाइस, ये भी विंटर में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। इसकी भी छोटी छोटी सी सैपलिंग 3-3 रुपए में हमारे यहाँ पर मिल रही हैं, बड़े पौधे अभी इस टाइम पर आपको इसके नहीं मिलेंगे। अगला जो प्लांट है यह है देखिए फ्लॉक्स का, इसके भी बड़े पौधे हमारे यहाँ पर अभी नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी भी छोटी छोटी जो सैपलिंग्स है वो 3-3 रुपए में हमारे यहाँ पर मिल रही हैं। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के पेटल्स में आते हैं। डबल पेटल्स की पौध को अगर आप लोग लेकर आओगे तो वो 7 रुपए में आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए गुलदाउदी, इसकी छोटी छोटी सैपलिंग्स तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन इस तरीके से 4-4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए जो पौधे हैं ये आपको 20-20 रुपए में मिल जाएंगे। तो इनको अभी भी आप लोग ला सकते हैं अगर आपके गार्डन में ये गुलदाउदी नहीं है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए केल, इसकी जो छोटी छोटी सी पौधा आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर 7-7 रुपए में मिल रही हैं, लेकिन इसके जो बड़े पौधे होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो केल को भी अगर आप लोग अपने विंटर गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो छोटी छोटी सी जो पौध होती हैं उनको ला करके ऐड कर लीजिए। ये है देखिए बोगनवेलिया, बोगनवेलिया के भी जो पौधे होते हैं छोटा पौधा 30 से 50 रुपए में आपको मिल जाएगा, वैसे ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, तो आप लोग जैसा चाहो वैसे इनको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।